नमस्कार दोस्तों, इंडिया के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को जो इंडियन रेलवेज का ऐसा कॉरिडोर है जिसमें सिर्फ गुड्स ट्रेन या फिर कह लीजिए मालगाड़ी के लिए ही था, जिसको जून 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसकी डेट्स को अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस प्रोजेक्ट की अगले साल मार्च 2023 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की कॉस्ट में 335 बिलियन रुपए का इजाफा हो गया है, यानी कि अब $5 बिलियन ज्यादा देने पड़ेंगे। ये डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर 3,365 किलोमीटर का होगा, जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगा। 3,665 किलोमीटर में से अभी सिर्फ 657 किलोमीटर पर ही मालगाड़ियां दौड़ रही हैं, और ये पिछले साल मार्च 2021 में ही चालू कर दिया गया था, और बचे हुए काम को इस साल जून तक पूरा कर दिया जाना चाहिए था। गुड्स ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और जो भी माल या सामान होता है उसे एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। अभी एक ही रेलवे लाइन पर पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चलती है, जिसकी वजह से इन मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड बहुत कम रहती है, और अपने लास्ट स्टॉप तक पहुंचने पर इन मालगाड़ियों को बहुत टाइम लग जाता है। डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर में पूर्वी कॉरिडोर के हिस्से में 281 अरब रुपए और पश्चिमी कॉरिडोर के हिस्से में 165 अरब रुपए थे, और इसे 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, यानी 2012 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की उम्मीद थी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर करीब 1506 किलोमीटर का था, और ये पंजाब के लुधियाना को वेस्ट बंगाल के दनकुनी को आपस में जोड़ेगा। वहीं पे दूसरी ओर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर करीब 2000 किलोमीटर का था, ये मुंबई को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ेगा। अब बात निकल कर आ रही है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी DFCCI ने 1200 अरब रुपए बजट में बढ़ाने की बात कही है। इसका एक मुख्य कारण इंडियन करेंसी में उतार चढ़ाव और जमीन के अधिग्रहण में 2 गुना तक बढ़ोतरी होना माना जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को अब तक 137 अरब रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि 18 अरब रुपए अभी भी देने बाकी हैं। DFC को 68 जिलों और 9 राज्यों से गुजरने वाले डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में मालगाड़ियों को स्थानांतरित करके इंडियन रेलवेज के नेटवर्क पर बोझ कम करना था। इसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन को भी इन मालगाड़ियों की वजह से लेट नहीं होना पड़ेगा। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर PPP मॉडल के अंतर्गत बनाना था, मगर इन्वेस्टर्स ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। मगर अब गवर्नमेंट ने इस मॉडल को बदलने का फैसला ले लिया है, जिससे ये प्रोजेक्ट जून 2022 तक कंप्लीट हो सके।